दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड एजुकेशन चैनल में। और मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम आपके लिए डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो असम टेट के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू, न्यूक्लियर फैमिली किसे रिफर्स करती है। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर ए, एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950। फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड। तो किस कंट्री के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स है वर्ल्ड में। इसका जो आंसर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया। इसका सही जवाब होगा इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें से कौन सा है जो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। नंबर ए स्मोक, नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर सी नाइट्रोजन गैस एंड नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा जो गैसेस है वो है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, विच पार्ट ऑफ प्लांट इवापोरेट्स वाटर। तो जो प्लांट का जो कौन सा पार्ट है जो इवापोरेट वाटर को इवापोरेट करता है। नंबर ए स्ट्रोमाटा, नंबर बी फ्रूट, नंबर सी ब्रांच, नंबर डी रूट। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्ट्रोमाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए सोलर सेल। तो इसमें से कौन सी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है एक सोलर सेल के मदद से। तो इसका जो आंसर है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज, यानी कि डेंगू डिजीज जो होता है वो कौन लेके चलता है, यानी कि किस मस्कीटो के वजह से होता है। या तो इसका जो है नंबर ए एंडिस मस्कीटो, नंबर बी कोलेक्स मस्कीटो, नंबर सी हाउस फ्लाई, नंबर डी एनोफिलिस मस्कीटो। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा एंडिस मस्कीटो। एंडिस मस्कीटो के वजह से डेंगी होता है। और एक चीज हमको और याद रखना चाहिए, जो मलेरिया होता है वो एनोफिलिस मस्कीटो से होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बताता है जी, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो वीक होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और सी है 1 जून से 7 जून तक, और डी जो है 15 जून से 21 जून तक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मिनिमम, यानी कि किस स्टेट ऑफ मैटर में जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। तो इसका जो आंसर्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सॉलिड, यानी कि सॉलिड मैटर में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे कम होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एयर इज, यानी कि जो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस है वो एयर में कौन सा पाया जाता है। उसका आंसर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हमें ये पता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अत्यधिक जो है वो पाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इज नॉन एज टाइगर स्टेट। ठीक, किस स्टेट को, भारत का किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसका आंसर है गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड असम। तो इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे पूछा गया है कि किस इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका मैक्सिमम स्पीड है। ए एयर, बी वाटर करंट, सी साउंड, डी लाइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जी डी, यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे
ज्यादा होता है इन चारों में से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, टेबेको एडिक्शन इज कर्स्ड ड्यू टू, यानी कि तेबोका का जो एडिक्शन है वो क्यों होता है उसके बारे में पूछा गया है। उसका जो ऑप्शन नंबर ए है कोकेन, नंबर बी केफिन, नंबर सी निकोटीन, नंबर डी हिस्टामाइन। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है निकोटीन, जो कि जो लोग खाते हैं जो तेबेको, उसमें क्या पाया जाता है जी, निकोटीन पाया जाता है और वही एडिक्शन का कोज बनता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओजन लेयर इज फाउंड इन, यानी कि ओजन लेयर किस कहाँ पाया जाता है, थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में और मेसोस्फेयर में। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है जी, ओजन लेयर पाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन नेशनल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा से उसको रिन्यू किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आंसर है कोल, पेट्रोलियम, प्लांट्स एंड यूरेनियम। तो इसमें से जो तीनों चीजें कोल, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम, इसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो प्लांट है वो रिन्यू हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी, प्लांट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर इज द फॉर्म ऑफ, सुगर किस चीज का फॉर्म है इसके बारे में है। तो सुगर क्या है जी, प्रोटीन का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, फैट का फॉर्म है, वाटर का फॉर्म है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बताता है द मॉस्क्यूटो रेपेलेंट कोयल्स, मैट्स एंड लिक्विड्स दैट वी जनरली यूज इन आवर होम्स आर, जो हम अपने घरों में मच्छरों को भगाने के लिए जो कोयल्स या मैट्स या लिक्विड यूज करते हैं वो क्या है, ये पूछा गया है। तो वो एक पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, सेडिटाइव्स है या इंसेक्टिसाइड है। तो जो हम मच्छरों को भगाते हैं वो ऑब्वियसली इंसेक्ट होते हैं, इसीलिए वो इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 600, बी 700, सी 800, डी 900। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 600। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 600 मसल्स पाए जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये बताता है वी हैव डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ, हमें दिन और रात मिलता है इसका कारण क्या है, अर्थ का रोटेशन के वजह से, अर्थ रिवोल्यूशन के वजह से, सन का रोटेशन के वजह से या सन का रिवोल्यूशन के वजह से। तो हम एक चीज जानते हैं कि जो अर्थ जो अपने जगह पे रोटेट करता है यानी एक्सिस पे, इसीलिए दिन और रात होता है। इसका आंसर होगा ए, यानी कि अर्थ का रोटेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, इवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन, बोथ इवापोरेशन एंड कॉन्डेंसेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ इवापोरेशन एंड कॉन्डेंसेशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बतलाता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये बतलाता है कि द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इंटू लिक्विड, ठीक, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इंटू लिक्विड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इंटू लिक्विड अपॉन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड, यानी कि जो सॉलिड चीजों को हम लोग लिक्विड में जो चीज को चेंज कर दिया जाता है क्या के कारण से जी, सप्लाई ऑफ हीट के कारण जो हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्डेंसेशन, इवापोरेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है मेल्टिंग, यानी कि जो हीट लग के गल जाए और उसमें जो उसको लिक्विड का फॉर्म हो जाए तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आवर सन इज, हमारा सन क्या है, यानी कि सूर्य क्या है, एक प्लेनेट है, एक सैटेलाइट है, एक कॉमेट है, एक स्टार है। तो इसका जो सही जवाब है, हमारा जो सूरज है वो है एक स्टार है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है ड्यूरिंग समर द अर्थ इज, यानी कि जब गर्मी का ऋतु आता है
ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा अर्थ है वो कहाँ पर होता है? क्लोजर टू द सन, अवे फ्रॉम द सन, क्लोजर टू द मून, अवे फ्रॉम द मून। तो इसमें हम जानते हैं कि जब सन के पास हमारा जो धरती है वो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो धरती पे ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 बताता है, व्हेन वी एक्सहेल आवर लंग्स हैव टू, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, बी स्टील, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो क्या होता है जी, सिकुड़ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाता है। तो यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कौन सा ऐसा इसमें से फॉलोइंग में से है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बायोलॉजिकली जिसका डिग्रेडेबल हो सके, यानी कि वो पच सके। ठीक। तो प्लास्टिक, पॉलिथीन, ग्लास, नॉन ऑफ द अबव, यानी कि हम इसमें से देखें तो ना प्लास्टिक ही खत्म होता है, ना पॉलिथीन भी खत्म हम नहीं कर सकते हैं, और ग्लास को भी इजीली इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि नेचुरली जो है वो डिकम्पोस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो आंसर होगा नॉन ऑफ दिस होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर इज मेनली मेड ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 26, पेपर इज मेनली मेड ऑफ क्या है, क्या से बनता है जी? सेलुलोज एंड स्टार्च से बनता है, पॉलिथीन एंड कॉटन से बनता है, बॉम्बू एंड ग्रेस से बनता है, सनफ्लावर एंड मेज से बनता है। तो हमको ये जानना चाहिए कि जो पेपर होता है वो मेनली क्या से बनता है जी, बॉम्बू एंड ग्रास से बनता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज नॉन ल्यूमिनस, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जिसमें से हमको क्या नहीं मिलता है जी, लाइट नहीं मिलता है। ठीक। तो यह है इसमें से मून, सन, स्टार एंड कॉमेट। तो हम एक चीज देखते हैं कि जो सन है वो अपना उसका हीट होता है, स्टार का भी और कॉमेट का भी, लेकिन तो जो मून है उसका अपना क्या होता है जी, लाइट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए नॉन ल्यूमिनस कौन सा है जी, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन सम सुगर इज डिजोल्व इन ए ग्लास ऑफ वाटर द वाटर लेवल इज, यानी कि जब हम कुछ सुगर यानी कि कुछ चीनी जब हम अपने एक एक ग्लास ऑफ वाटर में जब हम उसको डिजोल्व कर देंगे तो वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन द सेम, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है रिमेन द सेम। ठीक। जब हम कुछ चीनी एक ग्लास में जब हम डिजोल्व करते हैं तो जो वाटर का लेवल रहता है वो सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये है, नॉन ग्रीन प्लांट्स मेक मशरूम, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट जो है लाइक मशरूम कैंट मेक देयर ऑन फूड, बिकॉज जो मशरूम है या जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं वो अपने फूड खुद से नहीं बना पाते, इसका कारण क्या है? दे आर टू स्मॉल, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दे लेक क्लोरोफिल, दे लेक प्रोटोट्रोपिज्म, दे लेक रूट्स टू सक वाटर। तो इसका जो सही जवाब है दे लेक क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है जिसके वजह से वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्या बताता है जी, वी स्लीप वेरी इजिली ऑन ए वेट फ्लोर बिकॉज, यानी कि जो भीगा हुआ फ्लोर होता है उस पे हम इजीली क्या कर जाते हैं जी, स्लिप कर जाते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, नंबर ए वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, वाटर इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, वी स्लिप बिकॉज वी लूज आवर बैलेंस, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब वाटर जो होता है वो क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है जिसके वजह से हम स्लिप होते हैं। तो ये रहे कुछ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए, टेट एग्जाम के लिए या कोई अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, साइनिंग ऑफ।